नमस्कार, बायोकेमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स के इनहिबिशंस के बारे में। एंजाइम्स को किस तरीके से इनहिबिशन का सामना करना पड़ता है, उसमें यह प्रोसेस क्या इरिवर्सिबली इसे इनहिबिट की जाती है या फिर रिवर्सिबली इनहिबिट की जाती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनहिबिशन के प्रोसेस पर अब हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से हम इसे कैटेगराइज करेंगे। अगर इरिवर्सिबली है, जाहिर सी बात है ये दोबारा एंजाइम्स का इनहिबिशन उसे इस तरीके से प्रभावित करेगा कि दोबारा ये रीएक्टिवेट नहीं हो सकते। रिवर्सिबल में क्या होगा, ये इसकी एक्टिविटीज़ रिवर्स की जा सकती है, एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को रिवर्स आप कर सकते हैं। इरिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दो टाइप्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव। जबकि रिवर्सिबल में हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव या मिक्स्ड इनहिबिटर्स, और रिवर्सिबल का दूसरा टाइप होगा एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिटर्स। आगे चल करके काफ़ी कन्फ्यूजन होने वाला है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना चाहता हूँ कम्पटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, नॉन कम्पटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, नॉन कम्पटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, और तीसरी कैटेगरीज में अनकम्पटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कम्पटिटिव इनहिबिटर्स आप समझ सकते हैं कम्पटिशन है किसके बीच में, फ्री या एक्टिव साइट्स के बीच के लिए, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के बीच में। तो यहाँ जो इनहिबिटर्स हैं वो फ्री एंजाइम्स के एक्टिव साइट को जाकर के बाइंड कर देते हैं, जैसे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं। दूसरा नॉन कम्पटिटिव वाला मामला, नॉन कम्पटिटिव वाले मामले में क्या हो रहा है, ये हो सकता है फ्री एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए इनहिबिटिंग सब्सटेंस, या फिर यह हो सकता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर के बाइंड कर जाए। आप इस इमेज में देख सकते हैं एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्बिनेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ इनहिबिटर्स आकर के जुड़ा है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे जुड़ेंगे, ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं रखते हैं, नॉन कम्पिटिटिव हैं, यानी एक्टिव साइट को लेकर के इनका कोई लड़ाई नहीं है, और आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से इनका कोई लेना देना नहीं, ये दूसरे साइड पर जाकर के जुड़ रहे हैं। ये फ्री एंजाइम के साथ जुड़ जा सकते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर के जुड़ सकते हैं, ये नॉन कम्पिटिटिव। तीसरी कैटेगरी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तीसरी कैटेगरी है अनकम्पिटिटिव की। तो तीसरी कैटेगरी है अनकम्पिटिटिव की। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जाकर के बाइंड करने का प्रयास कर रहा है। तो अनकम्पिटिटिव क्या किया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ES कॉम्प्लेक्स बना है वहीं पर जाकर के इनहिबिटर्स जुड़ जाता है, और इस तरीके से ये अपने आप को रिएक्शंस को प्रभावित करने में पार्टिसिपेट करेगा। इस बात को इस इमेज में, इस रिप्रेजेंटेशन में एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो इनहिबिटर्स है वो कम्पिटिटिव मामले में क्या कर रहा है, वो एक्टिव साइट पर जाकर के बैठ जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक्टिव साइट पर जाकर के बैठ गया, ये मामला है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का। दूसरा नॉन कम्पिटिटिव मामले में आप देख रहे हैं जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पर नहीं गया, ये एलोस्टेरिक साइट पर या अदर देन एक्टिव साइट जो है वहाँ जाकर के जुड़ा है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मामला है। तीसरी कैटेगरीज आप यहाँ देखेंगे जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद इनहिबिटर यहाँ पहुँचेगा और इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। ये कौन सी कैटेगरी है, ये है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स को एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसे बताया गया है, लेकिन हम अपने लिए रिवर्सिबल की तीन कैटेगरीज को याद रखेंगे, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, ये तीन कैटेगरीज रिवर्सिबल की। वहीं जब इरिवर्सिबल की बात आएगी तो इसी को हमें फाइनल कंक्लूजन के रूप में चलना है, एक्टिव साइट डायरेक्टेड और सुसाइडल इनहिबिटर्स। तो चलिए यहाँ पर एक बार रिकॉल करते हैं एंजाइम्स के इनहिबिशन की प्रोसेस को। मैंने आपको बता रखा है रिवर्सिबल के कितने टाइप्स होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कैटेगराइजेशन के बारे में बात हुआ, रिवर्सिबल, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव तीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वहीं इरिवर्सिबल में हमने आपको बताया था सुसाइडल, सुसाइड इनहिबिशन और एक्टिव साइट डायरेक्टेड। तो दो तरीके से
हम लोगों ने इसे मेनली कैटेगराइज किया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव अनकम्पिटिटिव, और इरिवर्सिबल में सुसाइड इनहिबिशन एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिशन। यहीं पर फीडबैक इनहिबिशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फीडबैक इनहिबिशन, आपको पता ना जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो अपने रिएक्टेंट्स को आगे बढ़ने से रोकता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब कभी भी प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में बन जाते हैं तो वो अपने रिएक्टेंट्स को रोकने का प्रयास करते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में बन गया है। अब एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे इनहिबिटर्स क्या होते हैं। एक्टिवेटर्स वो तो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, तो इनहिबिटर्स क्या करेंगे उसके अपोजिट, एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ या उसकी वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसके बारे में हमने अभी इमेज के माध्यम से ड्रा करके बनाने की कोशिश किया था कि किसी भी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट पर जा करके इनहिबिटर्स जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सबस्ट्रेट अब एक्टिव साइट पर बंध नहीं पाएगा। तो हुआ क्या, एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पर इनहिबिटर्स जा करके जुड़ जाएंगे। एक्टिव साइट्स पर जब इनहिबिटर्स जुड़ गए तो अब सबस्ट्रेट को जुड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसे मामलों में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें वी मैक्स क्या होगा, के एम की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना है ऐसे मामलों में वी एम अनचेंज्ड रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी एम अनचेंज्ड रहेगा, के एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट पर जा करके एक्टिव साइट्स पर जा करके सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर्स जुड़ गए हैं, सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर्स जुड़ गए हैं, इस वजह से अब हाफ द वी मैक्स पाने के लिए बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम इस ग्राफ की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर देखें तो विदाउट इनहिबिटर क्या होगा और विद इनहिबिटर क्या होगा। इनहिबिटर्स जब लग जाते हैं तो होगा क्या, आपने इससे पहले के लेक्चर में देखा होगा कि स्टार्टिंग में तो इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है, बाद में जब प्लेटू आ जाता है सबस्ट्रेट के मामले में, केवल सबस्ट्रेट रहेगा तो, लेकिन जब इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं तो इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप थ्रू आउट मिलता जाएगा जैसे जैसे इनहिबिटर्स है। इसलिए जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन की काइनेटिक्स में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। आप इस तरीके का जो मैंने वायलेट कलर से दिखाया है ऐसा तो आपने देख रखा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इनिशियली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बाद में जब एंजाइम्स पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाते हैं तो प्लेटू स्टेट आती है। ये विदाउट इनहिबिटर्स, इस तरीके का वायलेट कलर का आपने कर्व पहले देख रखा है। ये के एम की इनिशियल वैल्यू है, के एम वन इसे कहा जाता है। आप के एम वन माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो विदाउट इनहिबिटर है उसकी वैल्यू को आप देखें, और विद इनहिबिटर ये बढ़ गया है। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप देखें तो आपको पता है ना कि जो एक्टिव साइट है वहाँ जा करके कौन जुड़ गया है, इनहिबिटर्स जुड़ गया है। इसलिए के एम यानी वी मैक्स की हाफ वैल्यू पाने के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इसलिए के एम टू की वैल्यू यहाँ रेज कर गई है, बढ़ गई है। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ परिवर्तित नहीं होती है, दोनों के मामलों में सेम हमें देखने को मिलेगा। एक बार कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल एंजाइम्स के कर्व को दिखाया गया है, नॉर्मल एंजाइम्स में हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा, आगे चल करके प्लेटू की स्टेट मिल जाती है। जब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, तो मैंने आपको बताया ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मामलों में केएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में वी मैक्स तो सेम रहेगा, वी मैक्स की वैल्यू सेम रहती है, आप देखें सेम रहेगी, लेकिन के एम की वैल्यू डिफर कर जाती है। कौन सा मामला है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मामला है। जब आगे इससे अलग और एक तीसरी कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर पाएंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की कंडीशन, जिसमें के एम की वैल्यू तो लगभग सेम मिलेगी लेकिन यहाँ वी मैक्स डिफर करता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा, सेम के एम मिलेगा, डिफरेंट वी मैक्स होगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, आगे चल करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर नहीं याद हो सकता है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का याद रखें, उसका अपोजिट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मामलों में हम याद कर सकते हैं। मैंने इसके पहले बता रखा है सबस्ट्रेट और वेलोसिटी दोनों के बीच में किस तरीके का ग्राफ ड्रा होता है, और उसी को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए
हम लोग ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ देखिए विदाउट इनहिबिशन, विदाउट इनहिबिटर और कम्पिटिटिव इनहिबिटर के मामलों में हम लोगों ने देखा इसका एग्जाम्पल क्या है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होगा, यह एंजाइम जो सक्सिनिक एसिड के सबस्ट्रेट पर काम करता है, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज किसके लिए काम करेगा, सक्सिनिक एसिड के लिए काम करेगा। सक्सिनिक एसिड न जुड़ने पाए वहाँ पर कौन जाकर के जुड़ जाता है, वहाँ मैलोनिक एसिड जाकर के जुड़ जाता है। तो इस तरीके से मैलोनिक एसिड उसे इनहिबिट करने का प्रयास करता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम नहीं कर पाता है क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पर सक्सिनिक एसिड के साथ इंटरेक्शन न होकर के मैलोनिक एसिड का इंटरेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से एस्टाइल कोलीन एस्ट्रेजेस की बात अगर करें तो एस्टाइल कोलीन एस्ट्रेजेस यहाँ पर देखिए, इसके लिए सबस्ट्रेट, इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कौन है, एस्टाइल कोलीन है। लेकिन एस्टाइल कोलीन न जुड़ करके इसके साथ न्यू स्टिग्मिन जुड़ जाता है। तो न्यू स्टिग्मिन क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। इसी तरीके से मिथेनॉल की पॉइजनिंग का एक एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि किसी भी तरीके के अल्कोहल को क्या कर देता है, वह उसे अल्डिहाइड में बदल देता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज दो जगहों पर आप देख रहे हैं, वो किसी भी तरीके के अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर किसी पर्सन ने विषैली या जहरीली शराब पी ली है जिसमें मिथेनॉल ज़्यादा मात्रा में है तो हम करेंगे क्या, मिथेनॉल ज़्यादा मात्रा में है तो मिथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की वजह से फॉर्मल्डिहाइड में बदल सकता है जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट है। इसलिए अगर कहीं मिथेनॉल का इंजेशन हो जाए तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की इस बेसिक समझ का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ने के लिए मिथेनॉल भी अवेलेबल है और इथेनॉल भी अवेलेबल है। आप देखें यहाँ पर यह है आपके पास इथेनॉल, अगर कहीं पर भी इथेनॉल मिथेनॉल की पॉइजनिंग है तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल की ज़्यादा मात्रा पेशेंट को पिला देते हैं। इथेनॉल की ज़्यादा मात्रा पिलाने से इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से इथेनॉल जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा जिसके कारण मिथेनॉल का इंटरेक्शन नहीं होने पाएगा। अगर मिथेनॉल नहीं जुड़ेगा तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा तो टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होंगे। इसीलिए जब इथेनॉल की यूज़ के बारे में पूछा जाता है तो मिथेनॉल की पॉइजनिंग में हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एक ही एंजाइम काम करता है, दोनों एक ही एंजाइम से जाकर के जुड़ते हैं। तो ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल बन गया है। तो हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको बताया था मैलोनेट वो किसको इनहिबिट कर रहा था, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को सक्सिनिक एसिड से जुड़ने से मना कर रहा था, खुद जाकर के जुड़ रहा था। ऐसे ही एलोप्यूरिनॉल ये जैंथिन ऑक्सीडेज को काम करने से रोकता है। जैंथिन ऑक्सीडेज जिसके लिए कौन सबस्ट्रेट आमतौर पर जुड़ता है, हाइपोजैंथिन यहाँ जाकर के जुड़ने की कोशिश करता है तो उसकी एक्टिविटीज नहीं होने देता है एलोप्यूरिनॉल। इसके बाद मैंने तीसरा एग्जांपल लिया था इथेनॉल का, इथेनॉल जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जाकर के जुड़ता है जिसके कारण मिथेनॉल इसे जुड़ ना पाए तो मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना पाएगा। तो ये हमारे सामने बेसिक एग्जाम्पल्स हमें मिल गए हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन।